Hey दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं V4 वीडियो। भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक्साइटिंग चीज की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। आप सबको पता है कि बस सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो हमें जरूरत पड़ने वाली है वाटर हीटर की। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही जबरदस्त वाटर हीटर, द क्रोम 10 सोलारियम नियो 10 लीटर वाटर हीटर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बहुत मस्त मस्त प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये है आज का स्टार, क्रोम 10 सोलारियम नियो 10 लीटर वाटर हीटर। तो इसके अनबॉक्सिंग करने से पहले जानते हैं थोड़ा बहुत क्रोम 10 के बारे में और क्रोम 10 के वाटर हीटर्स के बारे में। क्रोम 10 इंडिया की एक लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनी है, जो कि अपने रिलायबल और इनोवेटिव फैंस, बल्ब, पंप, किचन अप्लायंस, एयर कूलर और वाटर हीटर के लिए जानी जाती है। और जब बात आती है वाटर हीटर की, तो भाई क्रोम 10 एक घरेलू नाम है। एक एक इंडियन पीपुल क्रोम 10 को तो भाई जानता ही जानता है। कुल मिला के वाटर हीटर के मामले में क्रोम 10 का नाम इंडिया में बहुत बड़ा है। क्रोम 10 इस फील्ड में 30 सालों से है। इसके पास BIA सर्टिफिकेशन है स्टैंड गीजर के लिए और BEE सर्टिफिकेशन है स्टोरेज गीजर के लिए। जो क्रोम 10 है ना, आपकी हर एक जरूरत के लिए एक वाइड रेंज ऑफ वाटर हीटर्स ऑफर करता है, चाहे आपके घर के लिए हो या फिर आपके बिजनेस के लिए। और जो चीज इस कंपनी को अलग बनाती है वो इसकी हाई क्वालिटी को लेकर कमिटमेंट, टॉप नॉच परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी है। इतने अच्छे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। आप जानते हैं सोलारियम नियो के वो अमेजिंग फीचर्स जिसकी वजह से हमारी लाइफ में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। नंबर 1, ट्रिपल सील्ड प्रोटेक्शन। ये इंडस्ट्री लेवल का फर्स्ट ऐसा गीजर है जो कि ट्रिपल सील्ड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये आता है एक एडवांस गैस लाइन टैंक के साथ और उसमें एंटी कोरोसिव मैग्नीशियम एनोड प्रोटेक्टर का यूज हुआ है और उसमें आपको मिलता है ट्रस्टी इनकोला हीटिंग एलिमेंट। सुपीरियर ग्लास लाइन कोटिंग, तो जो सुपीरियर ग्लास लाइन कोटिंग टैंक के लॉन्गिविटी और ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करता है इन हार्ड वाटर कंडीशन। जी हाँ, हार्ड पानी होने के बाद भी इस गीजर का टैंक काफी लंबे समय तक टिकेगा। पावरफुल इनकोलाय हीटिंग एलिमेंट, इसके साथ आपको 33% लॉन्गर लाइफ मिलती है हीटिंग एलिमेंट में और ये हीटिंग एलिमेंट को कोरोजन और स्केलिंग से बचाता है, जिसकी वजह से हीटिंग एलिमेंट बहुत लंबे समय तक टिकता है। एनर्जी एफिशिएंट, और मैं आपको बता दूं ये एक 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंट गीजर है, जिसका मतलब है आप लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में डेफिनेटली थोड़ा बहुत ड्रॉप देखेंगे। सोलारियम नियो आता है इंडस्ट्री की फर्स्ट 10 bar प्रेशर रेटिंग के साथ, जो की ऊंची बिल्डिंगों के लिए काफी सही है। एडवांस 3-level सेफ्टी, सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए और इस वाले वाटर हीटर में आपको मिलता है एडवांस 3-layer सेफ्टी फीचर दैट प्रोटेक्ट्स अगेन इलेक्ट्रिक शॉक्स। और यही नहीं, इसमें आपको ऑटो कट ऑफ का फीचर भी मिलता है, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। इस वाले वाटर हीटर में आपको टेम्परेचर कंट्रोल नॉब भी मिलती है। बहुत सारे वाटर हीटर्स होते हैं जिसमें कोई नॉब वॉब नहीं होती, जो एक पानी वो गर्म करके देता है उतना ही गर्म पानी आपको लेना पड़ता है। लेकिन इस वाले वाटर हीटर में आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा गर्म पानी निकाल सकते हैं। अब इस बॉक्स पर नजर डालते हैं, तो इस बड़े से बॉक्स में हमारे 10 लीटर का वाटर हीटर है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके टैंक में आपको मिलती है 7 साल की वारंटी, इसके हीटिंग एलिमेंट में आपको मिलती है 3 साल की वारंटी और इस प्रोडक्ट पे आपको मिलती है 2 साल की वारंटी। तो बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर हमें मिला है हमारा क्रोम 10 का सोलारियम नियो 10 लीटर वाटर हीटर, वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, इनपुट आउटपुट पाइप, सेफ्टी वॉल और फास्टनर्स। और यही नहीं, कंपनी फ्री इंस्टॉलेशन सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं गीजर की टेस्टिंग, और मैं आपको बता दूं गीजर की टेस्टिंग इतने जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं कि आप लोगों ने यूट्यूब में कहीं पे भी ऐसे टेस्टिंग नहीं देखा होगा। इतने ज्यादा एक्यूरेटली मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि आपको पूरी तरीके से आइडिया लग जाएगा कि गीजर का परफॉर्मेंस कैसा है और आपके लिए गीजर कैसा रहेगा। तो गीजर की सबसे ज्यादा एक्यूरेट टेस्टिंग करने का तरीका ये है कि उसे सीधा सीधा प्योर आपकी आंखों के सामने एकदम स्टूडियो में टेस्ट करके दिखा दिया जाए। तो आपको इसका परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मैंने स्टूडियो में गीजर को इंस्टॉल कर दिया। यहां से जाएगा कोल्ड वाटर और यहां से आएगा हॉट वाटर, ठीक है, क्योंकि स्टोरेज वाटर हीटर है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर 10 लीटर पानी फिल कर देना है। जब इसके अंदर पानी फिल हो जाएगा तब हम लोग गीजर को ऑन कर देंगे और जब ये यहाँ पे गीजर का पानी गर्म हो जाएगा तो हम लोग इसकी सप्लाई बंद कर देंगे और फिर देखेंगे कि एक बार की हीटिंग में ये कितना गर्म पानी हमें दे देता है। इसके अंदर पानी आ तो इसके अंदर की हवा यहाँ से निकल रही है, आप लोग ध्यान से सुनना। है ना, पानी आ गया। और ये देखो, तो जैसे मैं गीजर को ऑन करता हूं
यहाँ पे पावर वाली एलईडी ऑन हो गई है, ये भी कोल्ड पे है तो मैं इसे हॉट पे कर देता हूँ, और हॉट पे करते ही यहाँ पे हीटिंग वाली ग्रीन एलईडी भी ऑन हो गई है, तो जैसे इसके अंदर का वाटर हीट हो जाएगा तो आई थिंक ये वाली एलईडी बंद हो जाएगी। फाइनली यहाँ पे ग्रीन लाइट बंद हो गई है और 10 से 15 मिनट लगे हैं पूरे हाई टेम्परेचर में पानी गर्म होने में। अब देखते हैं जो इसके अंदर पानी गर्म हुआ है वो कितना गर्म निकलेगा थर्मामीटर के जरिए। पानी गर्म हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने वाटर हीटर को बंद कर दिया है, तो यहाँ पे पानी आना स्टार्ट हो गया, और देखते हैं जो इनिशियल पानी आया वो कितना गर्म है। तो जब स्टार्टिंग में इसके अंदर से गर्म पानी आना स्टार्ट हुआ तो मैक्सिमम 70 डिग्री सेल्सियस तक गया था, उसके बाद ये 65 के आसपास इसमें गर्म पानी आ रहा था। तो एक बार की हीटिंग से हमने ये 18 लीटर की बाल्टी भर ली है गर्म पानी से। अब इसका तापमान देखते हैं, तो यहाँ पे जो हमें गर्म पानी मिला इसका तापमान 51 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और ये 50 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है, और मुझे लगता है इससे हमें 2 बाल्टी गर्म पानी मिल जाएंगी 20-20 लीटर की। यहाँ नहाने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का पानी सही रहता है, लेकिन ये तो अभी भी गर्म है। लेकिन हमें इससे ये पता चल रहा है कि सिर्फ एक बार की हीटिंग से हम लोग 20 लीटर की 3 बाल्टी गर्म पानी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपको गीजर की टेस्टिंग अच्छी लगी हो तो भाई एक लाइक तो बनता ही है। अब आपको पूरी तरीके से आगे लग गया होगा कि गीजर का परफॉर्मेंस कितना ज्यादा जबरदस्त है। एक क्विक रिकैप करते हैं, इस वाले वाटर हीटर में हमें ड्यूरेबिलिटी, एफिशिएंसी, सेफ्टी के साथ साथ कस्टमाइजेबल कंफर्ट मिलता है। कुल मिलाकर ये कंप्लीट पैकेज है। तो इस आने वाले विंटर के लिए अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं बेस्ट स्टोरेज वाटर हीटर, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी, आप लोग वहां पे जाके इसे खरीद सकते हैं। अगर पूरे वीडियो को समराइज करें तो हम लोग कह सकते हैं कि क्रॉम्पटन एक ऐसा ब्रांड है जिसपे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं इसके 30 साल के लेगेसी की वजह से। तो अपने बेहतरीन फीचर्स और मजबूती की वजह से सोलेरियम नियो 10 लीटर वाटर हीटर बहुत बेहतरीन वाटर हीटर साबित होता है। और हाँ, अगर आपको इससे छोटे कैपेसिटी का वाटर हीटर चाहिए या फिर इससे ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी का वाटर हीटर चाहिए तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके आपको 6 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर वाले मॉडल मिल जाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ पे जाकर खरीद सकते हैं और ठंडियों में गर्म गर्म पानी से नहा सकते हैं। तो भाई आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो में नए किसी प्रोडक्ट के साथ।